लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत का आज आखिरी दिन था। सातवें फेज की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई और शाम 6 बजे तक मतदान चला। गोरखपुर के से लगाए तमाम जो आसपास के जो जनपद है यानी 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है और ऐसे में सुबह 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ने भी मतदान किया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी मतदान किया, कैबिनेट मंत्री सहित तमाम दिग्गजों ने मतदान किया और लगातार ये प्रयास करते रहे कि वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी। लेकिन इस सातवें फेज में भी शायद जो है चुनाव आयोग और तमाम पार्टी के नेताओं को निराशा ही हाथ लगी कि कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। और तस्वीरें आप देखेंगे कि अब यहां से जो भी पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने ईवीएम और वीवीपैट को सील करके अब वो रवाना हो रही हैं बसों में बैठ करके। अब वो डीडीयू में यानी जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पे ले जा करके कड़ी सुरक्षा के बीच में वो सभी ईवीएम मशीन और वीवीपैट को जमा करा दिया जाएगा। आप लोग चुनाव करा रहे थे, दिन भर तपस और उमस भरी गर्मी के बीच आप लोगों ने सकुशल मतदान को संपन्न कराया, अब उसके बाद ईवीएम को सील करके आप कहां जा रहे हैं? वहां जमा करने जहां से हम लोग को पार्टी आएगा, मतलब डीडीयू में स्ट्रांग रूम में आप जमा करा देंगे? स्टाफ रूम में जमा कराएंगे। क्या कह रहे हैं? अरे बहुत उत्साह जनता को देखे और बहुत उत्साह सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छा अपना वोट का कार्यक्रम किया जो बहुत सराहनीय रहा। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मतदाता बूथ तक पहुंचा वो काफी खुश नजर आ रहा था, काफी उत्साहित था और उसने भरे जोश के साथ अपने मत का प्रयोग किया और आने वाले सरकार को अपने भविष्य के रूप में देखा। और निश्चित रूप से इस पूरे पर्व की समाप्ति हो गई है और अब यहाँ से ये सभी पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टियां इस ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पे जाकर इसे जमा कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज।